हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप। आपके अपने चैनल बेस्ट एग्जाम पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हां दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़ी बिग अपडेट लेकर आया हूं और वो अपडेट है राजस्थान यूनिवर्सिटी का। जी हां, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि सर राजस्थान यूनिवर्सिटी का कुछ डिटेल बताइए, तो आज ये नोट्स मुझे मिला है और ये न्यूज़ बता रहा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने UGC के गाइडलाइंस को नहीं इंतज़ार किया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने UGC गाइडलाइंस का इंतज़ार नहीं किया, उसने अपना डिसीज़न ले लिया है। तो यहाँ से जो डिसीज़न लिया गया है वो एग्ज़ाम के टाइम टेबल को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आप लोग उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे और उसके अंतर्गत क्या क्या से रूल्स आएंगे, उन सभी को मैं बता दूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। बस साथ ही साथ आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको आगे की अपडेट सबसे पहले प्राप्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं आज का वीडियो बेस्ट एग्जाम के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये जो अपडेट मिला है मुझे ABP लाइव न्यूज़ से मिला है और ये आप लोग टाइम देख सकते हैं 4:41, 3 जुलाई। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ऑन फ्राइडे रिलीज द 2020 अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन टाइम टेबल। एज पर द शेड्यूल अनाउंस्ड, द यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट द एग्जाम फ्रॉम July 15th एंड द टाइम टेबल कैन बी एक्सेस्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरी तरह से लिखा हुआ है कि जो एग्ज़ाम है वो 15 जुलाई से होने वाला है और इसके हम लोग टाइम टेबल को इसकी यूनिवर्सिटी के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने लिंक इसका यूनिवर्सिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी चूज नॉट टू वेट फॉर द UGC गाइडलाइन। देखिए साफ साफ लिख दिया गया है कि यूनिवर्सिटी गाइडलाइन का इंतजार नहीं करना चाहता है, वो 15 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट कर देगा 7 सितंबर तक। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, द पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम विल ऑल्सो बिगिन ऑन July 15th एंड विल गो ऑन अंटिल September 8, 2020। जो पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जाम होगा वो 15 जुलाई से स्टार्ट होकर 8 सितंबर तक चलेगा। अब दिखाते हैं न्यूज़पेपर से, livehindustan.com क्या दिखा रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी टाइम टेबल 2020, देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी साइंस कॉमर्स और आर्ट्स UG की परीक्षाओं का पूरा टाइम टेबल। देखिए यहाँ पर टाइम टेबल रिलीज कर दिया गया है और जैसे ही आप लोग लिंक पर क्लिक कीजिएगा आपको इस तरह से वेबसाइट देखने को मिलेगा। ये देखिए, मैंने 5:31 पर लॉगिन किया था, तो यहाँ पर करने पे आपको पहला लिंक पर जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन का मिलेगा और दूसरा जो लिंक है न्यू लिखा हुआ है उस पर आप लोगों को सेकेंड वाला अंडर ग्रेजुएट का मिलेगा। अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपको तुरंत एक PDF फाइल डाउनलोड होते हुए दिखाई देगा। जैसे ही फाइल डाउनलोड हो जाएगा आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए सबसे टॉप में लिखा यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर 2020 का एग्जामिनेशन टाइम टेबल दिया हुआ है। इसमें टाइम देख सकते हैं, टाइम दिया हुआ है Part 3 का 8 AM to 11 AM। जी हाँ, उसके साथ ही साथ आपको लेफ्ट साइड में डेट मिल जाएगा, डे मिल जाएगा और एग्ज़ाम का टेबल एग्जैक्टली पता चल जाएगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से पूरी तरह से फॉलो कर लीजिएगा, देख लीजिए आप लोग का कौन सा एग्ज़ाम कब दिया गया है। और ये देखिए लास्ट में आपको सिग्नेचर भी डेट मिल जाएगा, 2/7 को रिलीज हुआ है और पार्ट थ्री का एग्ज़ाम 8:00 से 11:00 तक का टाइम दिया हुआ है। साथ ही साथ कुछ नीचे नोट्स दिए हुए हैं उसको भी आप लोग केयरफुली पढ़ लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं इसके कुछ नोटिफिकेशन और उसके जो जो हमें सावधानियां बरतनी उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें कि क्या क्या नियमों को पालन करना होगा, तो सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के दौरान COVID-19 महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु इन सभी नियमों का पालन करना होगा। पहला कारण बता रहे हैं कि शिक्षक के साथ साथ निरीक्षक और स्टाफ को सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा। Point 2 में बता रहे हैं क्या कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी करना पड़ेगा। वहीं अगले Point 3 में कहते हैं क्या कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने हेतु परीक्षार्थियों को परीक्षा आरंभ होने के लगभग 1 घंटा पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना होगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए वे सभी बच्चों को परीक्षा केंद्र में दाखिल किया जा सके सुविधा अनुसार। Point 4 क्या कहते हैं कि हर बच्चे का थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो उसे वहीं पर एग्ज़ाम देने से रोक दिया जाएगा। अगला पॉइंट कहता है Point 5
कि प्रत्येक कक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए हर कक्षा में एक ही टीचर नियुक्त किया जाएगा, जिससे कि एग्ज़ाम आसानी से लिया जा सके सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए। पॉइंट नंबर 6 की बात करें अगर, तो कहा जाता है क्या कि अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह का COVID-19 पॉजिटिव पाया जाता है या उसे क्वारंटाइन किया गया हो, ऐसे बच्चे को एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, उसके साथ बाद में नियमानुसार एग्ज़ाम लिया जाएगा। वहीं आगे बात करें अगर पॉइंट नंबर 7 की, तो यहाँ पर कहते हैं क्या कि सैनिटाइज़र की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि प्रत्येक बेंच, दरवाजे और खिड़की, यहाँ तक कि हैंडल, सभी चीज़ों को हर रोज़ हर पारी में सैनिटाइज किया जाएगा। नंबर पॉइंट 8 कहते हैं कि परीक्षार्थियों के लिए पेयजल की व्यवस्था कक्षा में ही की जाएगी, सीट पर उन्हें जल उपलब्ध कराया दिया जाएगा। नंबर पॉइंट नंबर 9 कहते हैं क्या कि परीक्षा केंद्र के परिधि के अंतर्गत संबंधित स्टाफ के अलावा एवं परीक्षार्थियों को छोड़कर किसी और को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पॉइंट नंबर 10 कहते हैं कि परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर हैंड वॉश के लिए पर्याप्त पानी, साबुन और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। नंबर पॉइंट 11 कहते हैं कि COVID-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के हेतु भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश का पालन सभी परीक्षार्थी एवं विश्वविद्यालय कर्मियों, महाविद्यालयों को करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, पूरी तरह से अपनी सुरक्षा को बरकरार रखते हुए आप लोग एग्ज़ाम देने जाएं और एग्ज़ाम की तैयारी में अभी से लग जाएं। अभी भी आप लोगों के हाथ में 12 दिन है, क्योंकि एग्ज़ाम 15 से स्टार्ट होने वाला है और आज है 3rd of July, तो अभी भी आप लोगों के हाथ में 12 दिन है। अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से जमकर पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम, और जो होगा अच्छा ही होगा, आप लोग अच्छे से सफलता से एग्ज़ाम दे पाओगे। पूरी सुरक्षा बरती दी जाएगी। हालांकि UGC ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया, फिर भी राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपना डिसीजन सुना दिया। अब इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों देखो, ये पूरी तरह से यूनिवर्सिटी और UGC दोनों का मैटर है। अगर UGC रिलीज नहीं करता है तो इससे स्टेट गवर्नमेंट अपना डिसीजन ले सकता है, उसको पूरी छूट होती है। तो दोस्तों, अब आप लोगों को अपने एग्ज़ाम की तैयारी पर जुट जाना चाहिए, और अब मैं यही कहूँगा कि अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए और अपने भविष्य को, अभी से कैरियर को बनाने की चेष्टा कीजिए। दोस्तों, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के तरफ से जो डिसीजन आया, वो डिसीजन मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूले। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको आगे के अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग। दिस इज़ दिलीप साव साइनिंग ऑफ विथ बेस्ट एग्ज़ाम। बाय बाय, टेक केयर।